कोरोना काल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में दो गज की दूरी रखने का सीधा सीधा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने चिर परिचित अंदाज में मन की बात में यहां तक भी कह दिया था कि चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या पंचायत का प्रधान, दो गज की दूरी हर किसी को जरूरी है और इसका पालन न करना मानव समाज के लिए खतरे का निशान हो सकता है। लेकिन सामाजिक दूरी को नजरअंदाज करने वाली तस्वीर धर्मशाला में भी नजर आई है। दरअसल धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया का जन्मदिन था। जन्मदिन को मानसून और सावन माह का दोहरा तड़का लगाया गया और खनियारा के प्राचीन शिव मंदिर परिसर को जन्मदिन मनाने के लिए चुना गया। हालांकि विधायक विशाल नेहरिया ने ये माना है कि प्रदेश में मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना बहुत जरूरी है, मास्क पहनना अति जरूरी है, मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे सरकारी नियमों की अनदेखी हुई हो। कमाल है, विधायक जी कितनी आसानी से इसका जवाब देकर चले भी गए, लेकिन कोई उन आम लोगों से भी पूछे जिन्हें जब किन्हीं नियम कायदों के नाम पर सरकारी तंत्र द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, जो चीख चीख कर कहते हैं कि उन्होंने मास्क तो पहना था पर बस वो नाक से थोड़ा रति भर नीचे था, उसका चलान न काटा जाए, मगर उस आम आदमी की आवाज में शायद उतना दम नहीं होता होगा जितना एक नेता की शालीन बोलबाणी में होता है। अगर ऐसा ना होता तो यहाँ इस पार्टी में मौजूद खुद धर्मशाला के एसडीएम हरीश गज्जू, वरिष्ठ नागरिक डॉक्टर अश्विनी कौल और विधायक के समर्थक और स्थानीय लोग विधायक विशाल नेहरिया की इस सरकारी बर्थडे पार्टी का समर्थन न करते और मंदिर परिसर में इतनी भीड़ इकट्ठा होने का जवाब मांगते। बड़ा सवाल ये है कि उसका पालन सिर्फ आम लोगों को ही करना है या फिर रसूखदार भी इस दायरे में आते हैं। हमारे जो यहाँ के युवा और यशस्वी विधायक हैं श्री विशाल नेहरिया जी, उनका जन्मदिन भी आज है तो वो भी हमने साथ ही मनाया उनके। और ये प्रांगण जो है बाबा अगंजर महादेव जी का, यहाँ पे आशीर्वाद लिया सबने, और बाकी तो उनको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि उनका ये साल जो है, और वो प्रयत्न तो कर ही रहे हैं, आगे भी वो प्रयत्नशील रहे हैं धर्मशाला क्षेत्र के विकास के लिए। देखिए जी, वैसे तो कोशिश तो पूरी थी कि सोशल डिस्टेंस बनाया जाए। देखिए, मैंने भी मास्क डाल के रखा है, ज़्यादातर लोगों ने मास्क तो लगा के रखा है, मगर कई बार क्या होता है कि आप भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है। अदरवाइज कोशिश तो पूरी थी कि इसको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, और हुई, कुछ हद तक हुई भी है। नहीं, वो ऐसा है कि इसमें कोई कार्ड्स का वितरण नहीं हुआ था, कोई कुछ नहीं, लोग अपनी मर्जी से आए, किसी को बुलाया नहीं गया था, सिंपली एक ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम था। मेन ये ट्री प्लांटेशन बाई एनजीओस का था, तो उसमें हमारे विधायक महोदय जी ने भी शिरकत की थी, तो किसी को विधिवत रूप से किसी को बुलाया नहीं था। हाँ, गाँव के लोग होते हैं, उनको पता चला, विकास को मद्देनजर रखते हुए उनको कई समस्याएं हैं गाँव में, उनको उनकी अपनी समस्याओं के संबंध में वो लोग पहुंच जाते हैं। जहां भी विधायक या कोई प्रतिनिधि जनता का आता है तो वहां स्वाभाविक है कि वहां वो बिना बताए भी पहुंचते हैं। वैसे तो कोशिश तो हमारी तरफ से यही थी कि ऐसा ना हो, और ना हुआ भी नहीं है ऐसा। नहीं, मंदिरों में अभी प्रवेश की कोई इजाज़त नहीं है, लेकिन क्योंकि सावन का पहला सोमवार है तो बहुत सारे लोग अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन हम मंदिर में यही कह रहे हैं कि आप, मंदिर तो बंद है लेकिन लोग बाहर से ही दर्शन करके और अपनी धर्म की जो आस्था होती है उसका निवारण करके जा रहे हैं। तो बार बार उनको ये बता रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें और साथ में मास्क पहन के रखें, तो मैक्सिमम सभी लोगों ने ऐसा किया है, और उनको हिदायत भी दे रहे हैं कि आप जल्दी अपने घरों को निकलो। भी नज़र नहीं आई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप देखो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग है, और वैसे भी आज जो था वन महोत्सव रखा हुआ था, जन्मदिन का भी, हाँ आगे पता चला कि जन्मदिन नहीं, पर हमने उसी टाइम जैसे देखा लोगों को डिस्टेंसिंग के लिए हिदायत भी दी और कहा भी, थैंक यू। और लोग अलग अलग हुए हैं और मीटिंग भी अलग अलग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। देखो, आज मंदिर के प्रीमाइसिस के अंदर हम लोग नहीं गए हैं, मंदिर के बाहर हम लोगों ने जो लॉयंस क्लब के माध्यम से पौधारोपण का कार्यक्रम रखा था, और वहाँ पर रुद्राक्ष और बिल के पौधे जो है रोपे गए हैं, ताकि ये सीधा सीधा एक इसका एक जरिया था कि हम लोग आस्था को भी यहाँ पर बढ़ावा दे सकें, क्योंकि जो बिल पत्ता है और साथ में जो रुद्राक्ष है,
कहीं ना कहीं इन 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 चीज़ों से हम लोग जो है भगवान शिव का जो है वो स्मरण करते हैं और उनकी पूजा अर्चना के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो मंदिर के प्रीमाइसिस के बाहर जो है ऐसा पौधारोपण का कार्यक्रम जो है लायंस क्लब द्वारा रखा गया था, जिसमें इन्होंने मुझे बुलाया था। देखिए, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि आज यहाँ पर किसी को नहीं बुलाया गया था। लोग आस्था के लिए स्वयं मंदिर में आए होंगे, मेरे द्वारा यहाँ पर किसी को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि मुझे स्वयं किसी कार्यक्रम में बुलाया गया था। वह सिर्फ पौधारोपण का कार्यक्रम था, मुझे सिर्फ इतना कहना आपसे। वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम पर सियासत भी परवान चढ़ने लगी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने इस घटना को बेहद चिंताजनक करार दिया है। सुधीर शर्मा ने इसे प्रदेश में सरकार नाम की चीज न होने से जोड़ा है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कोरोना महामारी के चलते जहां पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सभी लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, कहीं उल्लंघना नहीं हो रही है और मंदिरों के कपाट जो हैं वो आम जनता के लिए बंद रखे गए हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं से एक संदेश यह जाता है कि जो माननीय हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वही अगर उल्लंघन करने लगेंगे, उनके लिए अगर मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएंगे और साथ में प्रशासनिक अधिकारी हों, स्थानीय SDM स्तर के अधिकारी हों और वो उस चीज को प्रोत्साहन दे रहे हों, तो जो भारत सरकार की गाइडलाइंस तय की गई हैं, जो प्रदेशों ने गाइडलाइंस तय की हैं, अगर उसको चुने हुए प्रतिष्ठित लोग ही नहीं मानेंगे तो आम जनता उसका क्यों पालन करेगी और क्या उम्मीद हम रखेंगे आम जनता से कि वो इस तरह की, अगर सरकार की लचर व्यवस्था है, अगर सरकार की इतनी भी पकड़ नहीं है, तो मैं समझता हूं कि जैसे मैंने पहले कहा है कई बार कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, अव्यवस्था का माहौल है और इस घटना से मेरी बात जो है वो पूरी तरह से सिद्ध होती है।